दोस्तों उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपका जो फेसबुक मैसेंजर होता है, जी हाँ दोस्तों फेसबुक मैसेंजर, इसमें जो मैसेजेस आते हैं वो मैसेज कभी कभी ज़्यादा भेजने के कारण या फिर ज़्यादा लिंक इधर उधर शेयर करने के कारण या ज़्यादा फोटो शेयर करने के कारण कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनको अनब्लॉक कैसे करना है उसका आज मैं पूरा मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरी बिंदास ट्रिक बताने वाला हूँ, बिल्कुल लीगल तरीका है, नो हैक नो क्रैक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैसा होता है जब हम किसी मैसेज को भेजते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में, मेरे एक आईडी पे पहले हुआ था, उसको मैंने अनब्लॉक कर लिया, वो पूरी तरह से सही हो गई, तभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो वहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, कुड नॉट सेंड दिस मैसेज द मैसेज, ठीक है। तो आपको सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम कब आती है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉब्लम जब आती है दोस्तों, जब हम किसी बंदे को ज़्यादा पिक भेज देते हैं या ज़्यादा लिंक एक साथ शेयर कर देते हैं या इधर उधर की लिंक हम ज़्यादा फेसबुक पर डालते हैं और हमारी लिंक हमारी आई डी पर कोई रिपोर्ट फॉर्म मार देता है, तो वो इस तरह की समस्या आ जाती है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है आपको उसके बारे में आज डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लो ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उनका सबसे पहले लाभ उठा सके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है दोस्तों, तो क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ऐप भी लॉगिन कर लेनी है क्रोम ब्राउजर के अंदर। अगर आप लॉगिन करना चाहें तो यहां पे सीधा डाल दीजिए facebook.com, ठीक है। तो मैं यहां पे डाल देता हूं facebook.com, ठीक है। facebook.com जैसे डाल देंगे आपको सामने फेसबुक खुल जाएगा। तो ये देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ा नेट प्रॉब्लम है यहां पे, तो थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए आपको ऐसा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को ना ज्वाइन किया हो भाई, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे चैनल पे नहीं बताता हूँ, फेसबुक पेज पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाट्यूटर वगैरह को ना फॉलो किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। पुरानी वीडियो ना देखें, ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको ओपन हो जाने देते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं, नेट प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों जैसे ये हो जाए आपके सामने खुल जाएगा, आपको लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी पासवर्ड डाल के, मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपको इस 3 डॉट पर जाना है दोस्तों। ये देखिए मैं जैसे 3 डॉट पर आ गया, 3 डॉट पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है दोस्तों। तो मैं ये पेज ओपन हो रहा है, याद रखना आपका नेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसा कि मेरा इस समय बहुत गड़बड़ चल रहा है नेट, तो थोड़ा वीडियो पुश कर करके बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही पेज आपके सामने खुल जाए ये वाला, तो आपको नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके, कुछ इस तरह से नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए, और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिल रहा होगा, सबसे नीचे ही आपको ऑप्शंस मिल रहा होगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का। ये देखिए दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ये जो सबसे नीचे आइकॉन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है दोस्तों, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम मतलब बताने के लिए बोलेगा दोस्तों। याद रखना है यहाँ पे आपको वही आईडी लॉगिन करना है जिस आईडी पे आपकी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शंस दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है एक बार, ये छोटा सा आइकॉन जो है इस पर आपको टैप करना है। इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर मैसेंजर और चैट पर हो रही है तो मैसेंजर और चैट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसे मैंने कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद चूज ए फाइल जो दिया हुआ है, आपको इस चूज ए फाइल पे क्लिक करके उस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना है जिसका जहां पे आपको प्रॉब्लम हुई। जब आप मैसेज भेज रहे होंगे तो आपको सामने कुछ वो वाला मैसेज दिखाई दे रहा होगा जो मैंने आपको अभी दिखाया है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए मैं उस वाले मैसेजेस को ले लेता हूँ जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, ठीक है। तो वो मैसेजेस कहाँ है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मुझे मैसेजेस मिल गया, ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीनशॉट को क्लिक कर लेता हूं दोस्तों कुछ इस तरह से, ठीक है। सॉरी, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देता हूं तो ये स्क्रीनशॉट जो है वहां पे आ जाएगा। ये देखिए यहां पे आ गया है। अब आप जो आप इसके बारे में लिखना चाहें कि आपको कब से प्रॉब्लम हो रही है
और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको 24 से 48 घंटे के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो सभी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप इस प्रोसेस को सही से करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों। तो मेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गई, तो मैं इस मैसेज को सबमिट नहीं करूँगा, आपको बताने के लिए यहाँ पर मैंने बोल दिया। आपको जो टाइप करना हो यहाँ पर टाइप करके भी भेज सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है मैसेंजर से रिलेटेड सभी सॉल्व करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।